नेक्स्ट जो ग्रुप है वो आता है फ्रेंड्स आपका फिक्स्ड असेट्स का। फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स जिनकी यूजेस आपका उस फाइनेंशियल ईयर से ही बिलोंग नहीं करता, बल्कि आने वाले फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स हैं जो कि आपका एक से ज़्यादा वर्षों तक काम आती है। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने परचेज किया है सिर्फ उसी में आपको यूटिलाइज नहीं करना है उनको, उसके आगे भी आपके काम में आएगी, वो सारी फिक्स्ड असेट्स हैं। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर से जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग परिचित होंगे। यदि नहीं परिचित है और चाहते हैं कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर पे भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वैसे इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं थोड़ा समराइज्ड रूप में अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स का अंदाज़ा लग जाएगा। तो जिन खर्चों की वजह से आपको जो लाभ मिलने वाला है वो उस फाइनेंशियल ईयर से आगे आने वाले कुछ सालों तक मिलता है, यानी कि जिसका लाभ एक साल में सीमित नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों तक आपको मिलता है, वो सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फिक्स्ड असेट्स की परचेज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका कि आप सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, यानी कि जितना यूटिलाइज आपने असेट्स को किया है सिर्फ उतना पार्ट आप डेप्रिसिएशन के रूप में आपके पी एंड एल में चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते हैं और उतना ही अमाउंट आप डेबिट कर सकते हैं आपके पी एंड एल अकाउंट में। बाकी वैल्यू आपको एज ए फिक्स असेट कैरी फॉरवर्ड करनी होती है जो कई सालों तक चलती है और हर साल आप इसी तरीके से डेप्रिसिएशन क्लेम रिटर्न डाउन वैल्यू पे करते रहते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स में आपकी मेनली जो चीज़ें आती है वो है जिनका फ़ायदा आपको बिजनेस में एक साल से ज़्यादा समय तक मिलने वाला है, जैसे कि फर्नीचर। लेजर क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स हम फर्नीचर का, तो फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपको अंडर ग्रुप लेना है फिक्स्ड असेट्स और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। फर्नीचर आपका फिक्स्ड असेट है। इसके अलावा मान लीजिए ओनर है, बिजनेस यूजेस के लिए कोई गाड़ी परचेज करता है, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं कार। तो ये जो कार परचेज की गई है ये भी आपकी फिक्स्ड असेट्स में आएगी। कंप्यूटर आपने कोई परचेज किया है तो आप कंप्यूटर डालेंगे, कंप्यूटर आपका अगेन फिक्स्ड असेट्स में आएगा। प्रिंटर आपने परचेज किया है तो प्रिंटर आपका भी फिक्स्ड असेट्स में ही आएगा। कुछ सेल्स के बंदे हैं जिनके लिए आपको टू व्हीलर परचेज किए आपने, जो मार्केट में आने जाने के लिए कंपनी की तरफ से आपके मार्केट का जो काम करते हैं बंदे उनको आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम मोटरसाइकिल्स का एक लेजर बनाएंगे और ये भी फिक्स्ड असेट्स के अंडर में बनेगा। इस तरीके से जितने भी, यदि मान लीजिए जो ऑफिस या शोरूम है आपका वो आपकी खुद की संपत्ति है तो वो भी आपकी फिक्स्ड असेट होगी। तो यहाँ पे आप खुद का शॉप है तो आप यहाँ पे शॉप करेंगे और इसको भी आप फिक्स्ड असेट्स में ले लेंगे। इसके अलावा जितनी भी सारी संपत्तियाँ आपकी जितनी भी है वो आपको फिक्स्ड असेट्स में है कैरी करनी है। कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया और कोई ऐसी मशीनरी, यदि आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ आपको कुछ मशीनरी यूज़ करनी होती है, मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं अकाउंटिंग का, तो हॉस्पिटल में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरी काम में आती है, जैसे यूएसजी मशीन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारे लैब में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका हो सकता है मैं पूरा नाम भी नहीं जानता हूँ, जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको पता होगा। तो बहुत सारी मशीनरी वहाँ पे यूज़ होती है। इसके साथ साथ यदि इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के पेशेंट्स डील कर रहा है हॉस्पिटल, तो जो एडमिट होते हैं पेशेंट्स उनके लिए वहाँ पे रूम बने होते हैं, उनके लिए फर्नीचर बना होता है, उनके लिए बेड वगैरह आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। ये सभी चीज़ें आपकी फिक्स्ड असेट्स के अंडर में आपको ग्रुप करनी है।
तो ये आपका नेक्स्ट जो ग्रुप है वो हो गया फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में जितने भी आप कंपाइलेशन लेंगे उन सब का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, उसको भी आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी अनटच्ड नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। डेप्रिसिएशन के बारे में आप उस एक ही वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आता है, सॉरी नेक्स्ट जो ग्रुप है अपना वो है अपना करंट असेट्स का। करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ की तरह ही एक मेजर ग्रुप है जिसमें बहुत सारे सब ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं। सबसे पहला इसमें आ जाता है स्टॉक इन हैंड, यानी कि जो आपका स्टॉक है, मान लीजिए आप किसी ट्रेडिंग कंसर्न में काम कर रहे हैं, वो जो माल परचेज हो रहा है, यदि पहले से वो काम चल रहा है, उस व्यापार पहले से चल रहा है, फर्म पहले से चल रही है, तो आपने अभी वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन किया है, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इसके बाद आप परचेज करते हैं, ईयर एंड में जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ रह जाता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है सेल करने के बाद। तो जो स्टॉक इन हैंड है वो जो ग्रुप बनेगा वो भी आपका करंट असेट्स के अंडर में बनेगा। सब ग्रुप हो गया आपका स्टॉक इन हैंड, और मेन ग्रुप हो जाएगा उसका करंट असेट्स। लेजर हम ओपन कर लेते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक इसको आप बनाएंगे स्टॉक इन हैंड में। तो जो भी आपके ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू है, यदि आप इन्वेंट्री के साथ में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेंट्री वाइज आपका ओपनिंग स्टॉक है आपको पोस्ट करना होगा, और यदि इन्वेंट्री वाइज नहीं है तो एक वैल्यू होती है, 10 लाख का आपका ओपनिंग स्टॉक है, 15 लाख का है, 50 लाख का है, जितना भी वैल्यू आपका है ओपनिंग स्टॉक का, वो आपको सिंपली यहाँ पे एज ए ओपनिंग स्टॉक आपको लेना होता है। ये हमने सेव कर लिया। इसी तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाना है, ये भी आपका स्टॉक इन हैंड में आपका बनता है, और ये सब भी आपके बनते हैं दोनों लेजर, स्टॉक इन हैंड सब ग्रुप हो गया और मेन ग्रुप हो गया इसका करंट असेट्स। तो करंट लाइबिलिटीज़ की तरह करंट असेट्स भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके बाद में आता है कैश इन हैंड, यानी कि जितना भी कैश आपके बिजनेस में आपके हाथ में है, चाहे वो पेटी कैश है चाहे कैश है, पेटी कैश और कैश में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैश का लेजर डेली आप जब भी ओपन करते हैं, आप यदि बिल्कुल नई कंपनी भी क्रिएट करने वाले हैं तो भी आपको दो लेजर टेली पहले से बना के देता है। पहला लेजर होता है कैश का और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कैश का लेजर आपको कभी भी बनाना नहीं होता है, हमेशा आपको टेली पहले से बना बनाया देता है, और इसकी ग्रुपिंग आप देखेंगे तो वो होती है कैश इन हैंड, इसके बाद मेन ग्रुप आ गया इसका करंट असेट्स। तो ये कैश इन हैंड हो गया आपका, बहुत कमी से आपको बनाना होता है। यदि पेटी कैश आप इन्वॉल्व है वहां पे तो पेटी कैश का जो लेजर बनाएंगे वो आपको बनाना होगा, बाकी कैश का जो बैलेंस है, जो सॉरी लेजर है, वो आपको बना बनाया टेली देता है। दो लेजर टेली में आपको पहले से मिलते हैं जो आपको बनाने नहीं होते हैं। इसके बाद में आपका संडी डेटर्स का ग्रुप आ जाता है। संडी डेटर्स यानी कि आपके देनदार, आपके बिजनेस के देनदार, जिनको आपको पैसा देना है या जिनसे आप पैसा मांगते हैं, यानी कि आप जो भी माल बेच रहे हैं वो यदि आपने क्रेडिट पे बेचा है, उधार पे बेचा है, तो माल तो आपने बेच दिया, उसका पैसा अभी आपको मिला नहीं है, जो आने वाले कुछ समय में आपको मिलने वाला है, तो वो सारे आपके हो जाते हैं डेटर्स। जो माल उधार में आप बेच रहे हैं वो आपके सन्ड्री डेटर्स हो गए। कुछ लेजर हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये SVM मिल्स है, ये आपका खरीदार है माल का, जिसको आप माल बेच रहे हैं, तो SVM का जब लेजर बनाएंगे तो आप इसको सन्डी डेटर्स में देंगे। इसी के साथ हम एक और बना लेते हैं विनायक एंड कंपनी, इसको भी सन्डी डेटर्स में हम दे देंगे। जब आप सेल्स की एंट्री करेंगे, वाउचर्स में आते हैं हम,
F8 से सेल्स पोस्ट करेंगे। विनायकन कंपनी, इसको आपने माल बेचा है सेल्स का, सेल्स एट द रेट ऑफ 18%, इसको आपने 4 लाख का माल बेच दिया है। GST बुक करेंगे लाइबिलिटी के लिए। इसके बाद में आपने SVM मिल्स को माल बेचा है, इसको आपने 5 लाख का माल बेचा है, GST का लाइबिलिटी बुक करेंगे। इसके बाद आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब बैलेंस शीट व्यू करते हैं। करंट असेट्स, करंट असेट्स में आपको जैसा कि मैंने बताया, स्टॉक इन हैंड आपका आता है, कैश इन हैंड आपका आता है, और डेटर्स आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको हो रहे हैं। तो जब डेटर्स को आप ओपन करेंगे तो जितने भी आपके डेटर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो होते हैं। डेटर्स का मतलब ये पैसा जो बैलेंस आपको दिखाई पड़ रहा है उस पार्टी के नाम के आगे, वो पैसा आपको उससे रिकवर करना है, आप उस पार्टी में इतना पैसा मांगते हैं। तो जब तक आपकी ग्रुपिंग सही नहीं होगी, मान लीजिए आपका ओनर आपको कहता है कि अकाउंटेंट साहब मुझे लिस्ट दीजिए हम किस पार्टी से कितना पैसा मांगते हैं, तो जब ग्रुपिंग सही होगी तभी तो आप डेटर्स का पूरा बैलेंस दे पाएंगे कि ये लीजिए सर, इस पार्टी में हम इतना पैसा मांगते हैं, इस पार्टी में इतना पैसा मांगते हैं। यदि ग्रुपिंग सही नहीं होगी तो आपकी ये डेटा और रिपोर्टिंग बिगड़ जाएगी। तो इसलिए ग्रुपिंग अकाउंटेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिसकी डीप नॉलेज हर एक बंदे को होनी चाहिए। बिना डीप नॉलेज के आपके लिए मुश्किल हो जाता है इसको करना, क्योंकि ये वर्किंग में आपके बेसिक है, क्योंकि रोजाना काम आएगी ये चीज़ें। जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे कोई भी, तो आपको उसको किसी न किसी ग्रुप में डालना है, तो काम रोज होगा, लेकिन नॉलेज आपको डीप होनी चाहिए। तो आप इसके इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। इसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग भी एक एडवांस लेवल आ जाता है इसमें आपका। डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग कैसे निकाली जाए, इसको लेके मैं डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप लोग ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने में वो। साथ ही साथ डेटर्स मैनेजमेंट के लिए एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, उधार कंट्रोल करने की प्रो टिप्स, यानी कि वो टिप्स जिससे आप अपने डेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या है, बिजनेस में व्यापारी सेल करता जाता है, लेकिन यदि अकाउंटेंट बहुत अच्छा, उसके पास क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं है, तो बिजनेस की जो डेटर्स है वो अमाउंट उनका लगातार बढ़ता रहता है, रिकवरी हो नहीं पाती, और एक स्टेज ऐसी आती है कि उनका पूरा पैसा मार्केट में फंसा हुआ होता है, लिक्विडिटी उनकी जीरो हो जाती है। एक समझदार अकाउंटेंट हमेशा अपने ओनर को एजिंग तैयार करके देता है, यानी कि एजिंग तैयार करने के बाद में आपके पास डिटेल एनालिसिस आ जाता है कि किसी पार्टी का क्या पैटर्न है, कितने दिनों में उसका पेमेंट आ रहा है, कितने दिनों में नहीं आ रहा है। इसके बाद आप लोग उस पर चेक लगा सकते हैं, जो मैंने एलिबोरेट किया है उधार कंट्रोल करने की प्रो टिप्स में, यानी कि आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि किसी पार्टी की यदि आपने क्रेडिट लिमिट सेट कर दी, तो उसके बाद यदि आप चाहें तो भी टैली आपको सेल नहीं करने देगा जब तक आप उसकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाते हैं। एक बार आपने किसी पार्टी की क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दी तो आपको टैली बिल ही नहीं बनाने देगा उसका। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत करके बनाया हुआ वीडियो मेरा, और बहुत ही काम आने वाली चीज़ है वो आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ग्रुप आता है वो आता है बैंक अकाउंट्स, यानी कि जितने भी बैंक अकाउंट आपके हैं वो सारे बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में आपको ग्रुप करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप बैंक अपना क्रेडिट करेंगे, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, यदि एक से ज़्यादा बैंक में आपके अकाउंट हैं, तो आपको वो सारे बैंक के लेजर क्रिएट करने होंगे और वो सारे बैंक अकाउंट के अंडर में आपको ग्रुप करने होंगे, जो कि करंट असेट्स का पार्ट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको आपने दे दिया बैंक अकाउंट्स में,
जितने भी आपके बैंक में अकाउंट होंगे वो सारे आपको इसी तरीके से एक एक करके, मान लीजिए पहला हमने क्रिएट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद में मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, पीएनबी में अकाउंट है, तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सारे आपको इसी तरीके से बैंक अकाउंट में क्रिएट कर लेने हैं। सारी ग्रुपिंग आपको बैंक अकाउंट्स में उनकी करनी रहेगी। तो अभी तक हम कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के बारे में डिटेल कर चुके हैं, लोन्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज जिसमें ड्यूटीज, टैक्सेस, संडे क्रेडिटर्स, ऑल पेबल लेजर्स आ गया, आपके फिक्स्ड असेट्स आ गया, करंट असेट्स आ गया, करंट असेट्स में स्टॉक इन हैंड, संडे डेटर्स और कैश इन हैंड, ये सब कंसिडर कर चुके हैं और बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक अकाउंट के साथ साथ ही एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है बैंक ओडी और बैंक सीसी अकाउंट। जब आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ग्रुप और नज़र आते हैं, बैंक ओसीसी अकाउंट एंड बैंक ओडी अकाउंट। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन टैली में ये कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से चला आ रहा है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे। बैंक ओडी अकाउंट यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, यदि किसी बैंक से आपने ओडी लिमिट ले रखी है तो बैंक का अकाउंट का बैलेंस आपका हमेशा डेबिट का होता है और ओडी अकाउंट जो आपका बैंक में है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट का होगा, क्योंकि ओडी फैसिलिटी आपने बैंक से ले रखी है तो जितना भी पैसा आपने एट ए टाइम बैंक से बोरो किया हुआ होगा उतने पैसे से आपके बुक्स में उस बैंक का लेजर क्रेडिट दिखेगा। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट का रहेगा, लाइकवाइज बैंक ओडी अकाउंट का बैलेंस आपका हमेशा या तो क्रेडिट में रहेगा या जीरो रहेगा, लेकिन कभी भी डेबिट में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने लिया कुछ नहीं और जमा करा दिया, क्योंकि ओडी अकाउंट में आपको बेसिकली जमा कुछ नहीं कराना होता, जितना अमाउंट आपने ओडी अकाउंट से उठाया हुआ होता है उतना अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट वापस लौटाना होता है। जितने भी समय के लिए आपने यूटिलाइज किया है बैंक का पैसा उतने समय के लिए आपको इंटरेस्ट देना होता है। इसी तरीके से बैंक ओसीसी का ग्रुप है, बैंक ओसीसी यानी कि सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट आपको बैंक से मिलती है। सीसी लिमिट क्या होती है, बैंक गारंटी क्या होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है एक अलग से वीडियो अपलोड करके, मेरे चैनल पे काफ़ी पहले से अपलोडेड है वो वीडियो, वो भी आप लोग जरूर कंसिडर कीजिएगा। तो ओसीसी बेसिकली वो है जो आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है। कैश क्रेडिट और ओडी देखा जाए तो सेम ही है, कैश क्रेडिट में भी आपको एक सर्टेन लिमिट बैंक की तरफ से दी जाती है जिसको सीसी लिमिट या कैश क्रेडिट लिमिट हम लोग बोलते हैं। सीसी लिमिट में जितना भी लिमिट आपको बैंक देता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, उतने तक आप फंड बैंक से जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, और जब भी आपके पास फंड्स का ईज हो यानी कि फंड्स की अवेलेबिलिटी हो तब आप वापस बैंक को लौटा सकते हैं। बैंक एक सर्टेन ब्याज उस पर आपसे चार्ज करता है। इसी तरीके से बैंक का ओडी अकाउंट एक होता है, उसमें भी आप लोग यही करते हैं कि जितने अमाउंट की आपको बैंक ओडी देता है उतने तक का अमाउंट आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली ओसीसी और बैंक ओडी एक ही बात है, आप कैश क्रेडिट और ओडी दोनों को एक साथ भी क्लब कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कैश क्रेडिट अकाउंट भी है आपका और ओडी अकाउंट भी है, नाम अलग अलग हैं, ट्रीटमेंट दोनों का एक है, एक ही जगह दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप एक ग्रुप में भी डाल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग मेंटेन करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, साथ ही साथ कंसिडर करना इसलिए ज़रूरी था बैंक अकाउंट के साथ में, क्योंकि बैंक अकाउंट के साथ में यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो बाद में क्या है, एक अलग से आपकी क्वेरी रह जाती है कि साहब बैंक अकाउंट तो आपने बता दिए लेकिन सीसी अकाउंट भी होता है, ओडी अकाउंट भी होता है, उनके बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। तो ये इसलिए मैंने आपको साथ ही साथ हमने इसको कंसिडर कर लिया है।